नदी में डूबने से हुई एक युवक की मौत। नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र के कछवा थाना अंतर्गत सरैया ग्राम के एक युवक की मौत हो गई। मृतक 19 वर्षीय मनीष कुमार उर्फ प्रिंस सरैया ग्राम के कमछाया सिंह का इकलौता पुत्र था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवक भैंस चरा रहे थे। ये युवक भैंस को नदी में धो रहा था, तभी गहरी खाई में चला गया। करीब एक घंटे तक ग्रामीणों द्वारा खोजबीन करने के बाद मृतक का शव निकाला गया। मौके पर कछवा थाना पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सासाराम भेज दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तिलौथू इकाई के बैनर तले अखंड भारत दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तिलौथू इकाई द्वारा आज चंदनपुरा में अखंड भारत दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभिषेक सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में अभावी तिलौथू इकाई के राष्ट्रवादी छात्रों ने अखंड भारत का संकल्प लिया। 15 अगस्त की तैयारी हुई पूरी, वरीय अधिकारियों ने स्टेडियम मैदान का लिया जायजा। विक्रमगंज में आज दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। अधिकारियों के अथक प्रयास के बाद स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में भी सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने के साथ साथ मास्क पहने हुए अधिकारी दिखे, जिसका जायजा लेने पहुंचे एसडीएम विजयंत, एएसडीएम दिलीप कुमार और डीएसपी राजकुमार। सरस्वती विद्या मंदिर तिलौथू के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद प्रौढ़ व्यवसायी शाखा तिलौथू के तत्वाधान में अखंड भारत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तिलौथू शाखा के 35 स्वयंसेवक उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता पूजन के साथ किया गया। सभी स्वयंसेवकों ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया। अतिथियों का परिचय छठू शाह मंडल कार्यवाही ने किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना जंगलेश प्रसाद चौरसिया खंड बौद्धिक प्रमुख ने किया। भाजपा युवा मोर्चा काराकाट विधानसभा की वर्चुअल बैठक संपन्न। शुक्रवार को काराकाट पूर्व विधायक राजेश्वर राज के आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा काराकाट विधानसभा की वर्चुअल बैठक जिला अध्यक्ष पंकज सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, पूर्व विधायक राजेश्वर राज, जिला अध्यक्ष सुशील कुमार, विधानसभा प्रभारी विकास सिंह उपस्थित थे। वन विभाग के बैनर तले सोनभद्र लायंस क्लब के परिसर में स्वच्छ गंगा मिशन का कार्यक्रम का आयोजन तिलौथू में किया गया। सोनभद्र लायंस क्लब के परिसर में स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के तहत वन विभाग ने 10 किसानों को करीब 2750 किसानों की जमीनों पर लगाने के लिए वनपाल वाल्मीकि सिंह के द्वारा मजदूर भेजा जाएगा। यह पौधे एक साल तक जीवित रहेंगे तो उन किसानों के खाते में वन विभाग के द्वारा राशि डाली जाएगी। रोहतास के लाल को वीरता के लिए पुलिस पदक। भारत सरकार ने रोहतास जिले के अकबरपुर निवासी राकेश रमण, सहायक कमांडेंट CRPF को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया है। यह अत्यंत ही सुखद क्षण है संपूर्ण रोहतास जिले के निवासियों के लिए। श्री मिथिलेश्वर दास एवं श्रीमती इंदुबाला अकबरपुर निवासी के ज्येष्ठ पुत्र CRPF कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराने हेतु वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। आतंकवादियों के विरुद्ध इस अभियान में श्री राकेश रमण, सहायक कमांडेंट, गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रोहतास रेहल अधौरा सड़क बदहाल, लोगों का पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। इस सड़क मार्ग से बड़े वाहनों यानी बस ट्रक का चलना पूरी तरह बंद हो गया है। डीएफओ ने कहा अब इस सड़क को पथ निर्माण विभाग को बनाना है। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के रोहतास रेहल अधौरा सड़क मार्ग के निर्माण नहीं होने के कारण रोहतासगढ़ और पिपराडी दोनों पंचायतों के 2 दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को सड़क के अभाव में घोर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण यह सड़क धमसा घाटी में अत्यंत जर्जर हो गया है, जो वाहन चलाने के योग्य नहीं है। इस सड़क मार्ग बड़े वाहनों यानी बस ट्रक का चलना पूरी तरह बंद हो गया है।